हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो यार फिर से एक ही वीडियो में दो मूवी का रिव्यू करेंगे और दोनों ही मूवी नेटफ्लिक्स पर है और नेटफ्लिक्स इज ऑन द फायर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ब्लड रेड स्काई। मूवी हमें इंग्लिश में देखने को मिलती है और कहानी फोकस करती है नाडिया और उसका बेटा एलिस पर। नाडिया को ल्यूकेमिया, इसलिए वो अपने बेटे को लेकर न्यूयॉर्क जाना चाहती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब आता है जब जिस प्लेन में नाडिया और एलिस होते वो प्लेन हाईजैक हो जाता है। अब उसके बाद क्या कुछ होता है, कैसे नाडिया एक वेम्पायर बनती है, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। देखो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो काफी न्यू है, यानी कि हमने इससे पहले बहुत मूवीज में देखा जहाँ पर प्लेन को हाईजैक कर देते हैं, फिर ये डिमांड वो डिमांड, ये फोर्स लौड़ा लस्सन सब चीजें होती है। लेकिन यहाँ पर जो हाईजैक कर से उनके बीच में अगर कोई वैम्पायर आ जाए और वो वैम्पायर अपने बेटे को बचाना चाहता है तो वो किस हद तक जा सकता है, वो इस पर्टिकुलर मूवी में देखे। तो कहीं ना कहीं वो जो इमोशनल एंगल होता है ना माँ बेटे के बीच में, वो आप लोग इस पर्टिकुलर मूवी में फील कर पाते हो। लेकिन उसके अलावा अगर मूवी का पूरा ओवरऑल एग्जीक्यूशन देखे तो उतना ज्यादा अपेलिंग नहीं लगा मुझे जितना होना चाहिए था, क्योंकि मूवी में काफी ऐसे अनआंसर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो सीरियसली आप सोचोगे कि यार हाईजैकर्स ने प्लेन को हाईजैक क्यों किया, या वो जो वैम्पायर वाली ओरिजिन जो उन्होंने बताई तो वो ओरिजिन बेसिकली एकदम स्टार्ट कहाँ से हुई, या मैं यहाँ पर स्पॉयलर्स तो नहीं दूंगा लेकिन कहीं ना कहीं वो क्वेश्चंस आपके माइंड में रह जाते हैं, तो इस वजह से वो मूवी आपके दिल को पूरी तरह से नहीं छू जाती है। लेकिन उसके अलावा जो दूसरे एस्पेक्ट से, यानी कि वो वैम्पायर वाला एस्पेक्ट से, तो वहाँ पर एक चीज़ जो मुझे यहाँ पर बतानी पड़ेगी कि वो वैम्पायर है या जोम्बी है, क्योंकि वो है वैम्पायर और एक्ट कर रहे हैं जोम्बी की तरह। तो शायद यहाँ पे डायरेक्टर कंफ्यूज था कि उसको वेम्पायर दिखाना है या जॉम्बीज दिखाना है। लेकिन चलो ठीक है, कुछ ऐसी ऑडियंस जो इस तरीके की मूवीज को बहुत ज्यादा पसंद करती है। मैं ये नहीं बोल रहा मूवी खराब है, लेकिन कुछ सर्टेन थिंग्स जो मैं इतनी सारी मूवीज देखता हूँ तो यार जब मैं ये पर्टिकुलर मूवी देखा तो मुझे कहीं ना कहीं वो चीजें लगी मिस्टेक, तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। उसके अलावा कैरेक्टराइजेशन मूवी में अच्छा बताया, कुछ कैरेक्टर्स को अच्छी तरह से लिखा है और कुछ कैरेक्टर्स को सीधा सीधा वेस्ट किया है। मूवी एकदम फास्ट है, यानी कि फालतू की बकचोदी नहीं करती है, स्टार्टिंग टू द पॉइंट शुरू होती है और फिर एकदम पॉइंट टू पॉइंट मूवी खत्म भी हो जाती है, तो इस वजह से कोई डिस्टर्बेंस होता नहीं है। सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, जो मेकअप किया है ना भाई वो मेकअप बहुत ही गजब का लगा। और परफॉर्मेंस की बात करूँ तो यार जिस एक्ट्रेस ने यहाँ पर नाडिया का रोल प्ले किया है, काफी चैलेंजिंग रोल था और मजा आ गया उसका परफॉर्मेंस देख के। उसके अलावा बीजीएम अच्छा है, ओवरऑल इट्स अ वॉचेबल मूवी बट नॉट आउटस्टैंडिंग मूवी। कॉन्सेप्ट अच्छा है लेकिन चीजों को और भी अच्छी तरह से आगे बढ़ाता तो और भी मजा आता। मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा 6.5 आउट ऑफ 10। पेरेंटल गाइडेंस में इतना भी बोलूंगा कि मूवी में अश्लील सीन्स कुछ भी नहीं है, लेकिन वो जो वैम्पायर है वो खून खराबे वाले सीन्स बहुत है। तो फिर आप लोग के घर में अगर छोटे बच्चे या बुजुर्ग है तो ये मूवी को अवॉइड करना, अगर आप लोग देखना चाहते हो तो जरूर देख सकते हो। खैर अब हम लोग बात करेंगे एक कोरियन मूवी की जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, और अगर आप लोगों ने कोरियन शो किंगडम देखा है सीजन 1 और सीजन 2 तो डेफिनेटली आप लोग इस पर्टिकुलर मूवी को चेकआउट करोगे। लेकिन अगर आप लोगों ने वो सीरीज नहीं भी देखी है तब भी आप इस पर्टिकुलर मूवी को देख सकते हो, वो मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं, क्योंकि जो कहानी है इसकी वो प्रीक्वल है, यानी कि उन शो में जो जो इवेंट्स हुए उससे पहले की कहानी है, यानी कि वो चीजें शुरू कहाँ से हुई थी बेसिकली वो आपको इस पर्टिकुलर मूवी में देखने को मिलता है। मूवी आपको कोरियन और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिलती है, ओवरऑल लेंथ करीब 1.5 घंटे की है, और अगर किंगडम शो के हिसाब से देखा जाए तो ये सिर्फ एक एपिसोड भर का है, लेकिन इस एक एपिसोड में लोगों ने काफी कुछ चीजें कवर की जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे। खैर मूवी का बेसिक प्लॉट ये है, तो अलग किंगडम देखने को मिलते हैं जोशियन और जुरचैन, और इन दोनों के बीच में एक बॉर्डर विलेज पड़ता है जिसमें हमारी मेन कैरेक्टर रहती है एसिन एशिन एसिन या जो भी है। प्रॉब्लम ये है उस बॉर्डर विलेज की कि इसमें रहने वाले लोग है जुरचन के बट ये लोग रहते हैं जमीन में जोशियन के, तो इसलिए दोनों ही किंगडम वाले इनको एक्सेप्ट नहीं करते और बेसिकली ये ग्राउंड जीरो है, और इसलिए दोनों किंगडम के लोग इनको सेकंड सिटीजन के हिसाब से देखते हैं। बट कहानी में कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जिस वजह से एसिन रिवेंज पे निकलती है। अब वो क्या रिवेंज है, किस तरह से रिवेंज लेती है, फिर क्या कुछ होता है, फिर कैसे वो जोम्बी वाले जो वो जो फ्लावर है उसके बारे में हमको पता चलता है, हालांकि वो सब तो हमने किंगडम शो में देखा था, लेकिन वो कैसे शुरू हुआ वो हमें इस पर्टिकुलर मूवी में देखने मिलता है जो कि बहुत अच्छी बात है। मूवी में जो एक एटमोसफियर क्रिएट किया ना यार लाजवाब, और कोरियन मूवीज के बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ यार, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ कोरियन मूवीज का, और जोम्बी से रिलेटेड जब भी कोई कोरियन मूवीज बनती है तो भाई आप लोग अंदाजा ही लगा सकते हो वो किस लेवल की होगी। और इस मूवी में भी वो गूज बम्स और वो सिनेरियो देखकर मतलब आप क्या ही बोल। बीजीएम अच्छा है, कैरेक्टराइजेशन बहुत अच्छी तरह से बताया, और स्पेशली जो एसिन का कैरेक्टर है उसको जिस तरह से वो लोग ने डेवलप किया, जो जो उस चेंजेस उसके अंदर बताया ना, मतलब यू कांट इमेजिन। और
ये एक खूबी होती है डायरेक्टर की, वो किस कैरेक्टर को किस तरह से हमारे सामने प्रेजेंट करे। आप लोग सोच लो कि क्या कैरेक्टराइजेशन होगी उस पर्टिकुलर कैरेक्टर। उसके अलावा एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करो तो हर एक एक्टर ने अपने हिस्से के रोल को बहुत अच्छी तरह से किया, और ये एक परफेक्ट प्रीक्वल है किंगडम सीरीज की। और मुझे बहुत मजा आया, मैं बहुत एंजॉय किया। और बीच में ये मूवी थोड़ी सी स्लो हो जाती है, बट यही तो किंगडम शो का मैजिक है। अगर आप किंगडम शो को भी देखोगे तो वो भी पर्टिकुलर काफी स्लोली स्लोली आगे बढ़ता है, लेकिन जब वो पिकअप लेता है ना, तो फिर उसके बाद तो फिर यू कांट स्टॉप। तो वही चीज आपको यहाँ पर भी होती है, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। पेरेंटल गाइडेंस के लिए इतना ही बोलूंगा कि आप अपने फैमिली साथ बैठ के देख सकते हो, बट भाई ये जोम्बी वाला शो है तो इसमें वो खून खराबे वाले सीन से, तो आप बच्चे हैं और बुजुर्ग है तो उसको सामने अवॉइड करना। मैं इस पर्टिकुलर मूवी को रेटिंग दूंगा 8.5 out of 10। इट्स अ वॉचेबल मूवी। बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो आप लोगों की मर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंजॉय योर सैटरडे।